हेलो मिस्टर बाजवा, आपको जगह ढूंढने में प्रॉब्लम तो नहीं है? सलेली मेरा शहर है, यहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, चप्पा चप्पा जानता हूँ। दैट्स ग्रेट। आई होप आपके साथ काम करके आपसे बहुत कुछ सीखने को मिले। लाइकवाइज। बाय द वे, ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, प्लीज हैव अ सीट। श्योर, आई विल गो एंड कॉल मैम। अरे यार, प्रोजेक्ट फाइल तो गाड़ी नहीं रहेगी, मैं लेकर आया। तुमने बस एक बार मेरा हाथ पकड़ लिया, एक झटके में पहचान लूंगा कि मेरी परी है। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी है मिस्टर बाजवा, आपकी शादी होने वाली है ना नीति से? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ मिस्टर बाजवा? आप चुप क्यों हो गए? टेल मी, नीति आपकी वुड बी वाइफ है ना? ओह हाँ, वैसे मैंने आपके बारे में ये भी सुना था कि पहले आपकी शादी परी से हुई, फिर आपने नीति से शादी कर ली, और फिर दोबारा आपकी शादी परी से हो गई, और अब फिर से नीति से शादी करने जा रहे हो। ओह, बट परी तो अब मर चुकी है, तो फिर नीति के बाद शायद कोई और, करेक्ट? हाँ, मैं नीति जुनेजा, पार्वती से मिलने आई थी, लेकिन उसने कहा कि वो मीटिंग के लिए निकल रही है, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाती मुझे यही वेट करने के लिए कहा है। मेरे पीछे से नीति यहाँ आ सकती है सबूत ढूंढने के मैं परी हूँ या पार्वती। अच्छा अच्छा, आप अंदर आओ। मिस सिंघानिया, बाय मिस्टेक मैंने आपका हाथ पकड़ लिया था, इतनी छोटी सी बात के लिए इतने सरकाजम में जाने की जरूरत नहीं थी। ये कब कौन मेरी बीबी थी, कब कौन क्या? एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट टॉक अबाउट परी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू व्हाट। बट व्हाई? इतनी नफरत करते थे परी से? रबिश। आप कौन होती है मेरे और परी के रिश्ते के बारे में कमेंट करने वाली? आपका कोई हक नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। सॉरी मिस्टर बाजवा, आप तो नाराज हो गए, इट्स ओके, काम डाउन। वैसे मिस्टर बाजवा, आई सेड नथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। आई मीन इट्स सिंपल मिस्टर बाजवा, एकदम सिंपल सी बात है। आपकी पहली वाइफ परी को गए एक साल भी नहीं हुआ, और आप दूसरी वाइफ लाने की तैयारी में बैठ गए। इतना कुछ बोल लिया तो मैं भी एक सवाल कर लूं मिस सिंघानिया। या श्योर, क्या आप मेरी और नीति की शादी से जेलस हैं? What? Jealous? Me? Mr. Bajwa, one second. I am least interested in you and your would-be wife. Okay? You don't believe me? What? Don't believe me?
कम कम है। लुक एट द मिरर, कौन से एंगल से मैं जेलस लग रही हूँ? एंड जेलस फॉर व्हाट? आई मीन हाँ, मैं गुस्सा हो सकती हूँ बट नॉट जेलस मिस्टर बाजवा, नो वे। लेकिन गुस्सा होने की भी तो कोई वजह होगी ना मिस सिंघानिया। इसे अपने ही घर समझो, जहां बैठने बैठो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। वो शक्कर का तो मैं पूछना ही भूल गई, अब चाय में शक्कर लोगे या नहीं? चाहे तो शक्कर वाली ही चाहिए, लेकिन आधा चम्मच। अच्छा अच्छा, वॉशरूम किधर होगा? वॉशरूम वो वहाँ अंदर। थैंक्स। परी का रूम कहाँ है? एक बार रूम मिल जाए फिर बताऊंगी उसे कि नीति से बचना नामुमकिन है। क्या हुआ मिस सिंघानिया, आपको मेरी और नीति की शादी से गुस्सा आ रहा है? बहुत गुस्सा। क्योंकि मैंने सुना था कि फॉर इंडियंस शादी इज लाइक पवित्र रिश्ता, और वैसे भी शादी इंडियन कल्चर का सबसे स्पेशल पार्ट होता है। अनलाइक द वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग एक लाइफ में कई बार शादियां करते हैं, बट इंडिया इंडिया इज नोन फॉर वन लाइफ वन लव एंड वन मैरिज। और शादी मिस्टर बाजवा 7 जन्मों का रिश्ता होता है, और हस्बैंड वाइफ इस रिश्ते को साथ में जीते हैं विद फुल कमिटमेंट। और यहाँ प्यार शादी सब एक बार होता है, बार बार नहीं मिस्टर बाजवा। यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस सिंघानिया, लेकिन मेरी परी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, उसका इंतजार तो कर नहीं सकता मैं। मूव ऑन तो कर सकता हूँ ना, खुद की जिंदगी जीने का हक नहीं है मुझे। बताइए, नहीं हक मुझे? एब्सोल्युटली आपको अपनी जिंदगी जीने का हक है, पर सबको होता है, इवन आपकी एक्स वाइफ परी को भी था, पर माता रानी ने उससे उसका हक छीन लिया। एनीवे मिस्टर बाजवा, यू रिमेम्बर मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था पर आपने जवाब दिया नहीं था, तो आज मैं फिर से वही सवाल पूछना चाहती हूँ, आपकी वाइफ परी की डेथ कैसे हुई? कहीं आपने ही तो उसे? लगता है आप बहुत थ्रिलर फिल्म्स देखती हैं मिस सिंघानिया, पर जो आप मेरी लाइफ में ढूंढना चाह रही हैं ना, वो मिस्ट्री, वो थ्रिलर, वो सब आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं बहुत सिंपल लाइफ जीता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट यू, प्लीज परी के बारे में बात मत करिए। एक छोटा सवाल था मिस सिंघानिया, आप मेरी लाइफ को लेकर इतने वर्ड क्यों? मैं कब किसके साथ हूं, किससे शादी करूं, परी मेरे साथ है नहीं है, आपको क्या फर्क पड़ता है? कहीं ऐसा तो नहीं किया आप मुझ में? स्टॉप स्टॉप, स्टॉप राइट देयर। इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहना मिस्टर बाजवा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। वेल, मुझे बस इस बात का बुरा लग रहा है कि आप जैसे लोग भी इंडिया में रहते हैं जिनके लिए मूव ऑन करने का तरीका शादी है। मैंने सुना था इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में, उनके प्यार के बारे में, बट यहाँ यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है, कंप्लीट ऑपोजिट। ऐसा नहीं है मिस सिंघानिया, और रही बात मेरे प्यार की, उसे आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि मैं भी नहीं समझ पाया था।